शिक्षक दिवस के अवसर पर रविवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने शिक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर अनीता कुमारी, पीयूष सिंह, डॉक्टर विभा सिंह, इंद्रेश पांडे, विवेकानंद श्याम सिंह, अरविंद कुमार तिवारी, डॉक्टर सीमा सिंह, विकास पाठक, डॉक्टर रविन्द्र मौर्य सहित डॉक्टर रामपाल मौर्य को पुष्प तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एक परिवार है, आप सभी शिक्षक इस परिवार के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में आपका कार्य शिक्षक के रूप में और बढ़ जाता है, क्योंकि आप शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संस्था को आगे बढ़ाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मूल्य को आत्मसात करने और उन्हें समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, शिक्षक वह होता है जो सदैव शिक्षित होता रहता है और अपनी परंपरा, अपने आदर्श और अपनी संस्कृति का संवाहक बनता है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वीणा गोपाल, डॉक्टर गीता सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा, बंधुओं बहनों को मैं बधाई देता हूँ। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इस महाविद्यालय की बड़ी श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं और डॉक्टर शरण प्रताप सिंह जो अभी हाल में प्राचार्य के रूप में कार्यभार का उन्होंने क्या किया है या उसे अवकाश मुक्त हुए हैं, उनका योगदान हमेशा हम लोग याद करेंगे। रिटायरमेंट शब्द का अर्थ मेरे समझ में नहीं आता। जो आदमी टायर्ड नहीं है वो रिटायर्ड कैसे हो गए, रीत तो बाद में आता है। तो वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी थकते नहीं, न केवल इस महाविद्यालय को आगे ले जाने में उनका योगदान रहा है, बल्कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रमों में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सदा से रही है और आगे भी रहेगी। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समस्त संस्थाओं का जो एक सामुदायिक एक साथ
जो संता दक्षों प्राचार्यों की बैठक होती है उसके वही कन्वीनर हुआ करते थे, बैठक का वही संशोधन करते थे। अब बैठक में सारा का सारा जो कार्य योजना थी वही प्रस्तुत किया करते थे और आगे भी वो करते रहेंगे। उनका रिटायरमेंट इस महाविद्यालय से हो सकता है, लेकिन महाराज प्रताप शिक्षा परिषद से उनका रिटायरमेंट कभी नहीं हुआ। मैं एक दृष्टांत आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मान पुजार्थ के नाम पर एक महाविद्यालय है। मेरा पहला नियुक्ति पत्र एक शिक्षक के रूप में तत्कालीन महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में मिला था, पहला नियुक्ति पत्र, उस पर उन्हीं की दस्तखत थी, उन्हीं के हस्ताक्षर से मिला था। जब इंटरव्यू के लिए उन्होंने उनके सामने गया तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया, उनके महाराज जी ने, वह उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सचिव थे और अकेले और वह और प्रिंसिपल दो लोग सिलेक्शन कमेटी की तरफ से थे। प्रिंसिपल थे डॉक्टर एस पी शाही, आपके यहाँ डॉक्टर तेज प्रताप शाही भी हाल उनका निधन हुआ है कुछ एक साल पहले, उनके पिता जी। तो एक प्रश्न किया कि गणित विषय पहली बार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इस महाविद्यालय में, बीच में आप छोटे चले रहने जाएंगे? मैंने कहा नौकरी मिल रही है क्यों कहूँ छोटे जा जाऊँगा? तो मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा नहीं।